वैसे तो शनिवार का दिन विशेष रूप से शनि देव को समर्पित होता है, लेकिन आपको बता दें कि इस दिन शनि देव के साथ हनुमान जी की आराधना करने से दोनों की अपार कृपा मिलती है। हनुमान जी शीघ्र अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। वहीं अगर आप शनिदेव के प्रकोप से पीड़ित हैं या कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो आप शनिवार के दिन हनुमान जी को कुछ विशेष चीजों को अर्पित करने से आपके जीवन में चली आ रही शनि की सारी समस्याओं से समाधान मिलेगा, साथ ही धन से संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। जी हाँ, ये जानते हैं किन चीजों को अर्पित करने से आपको शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। शनिवार के दिन एक नारियल लेकर हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे नारियल को अपने सिर से 7 बार उसारा करते समय आपको हनुमान जी के इन मंत्रों का जाप करना होगा। जी हाँ, मंत्र है ओम राम दुताए नमः। उसके बाद नारियल को हनुमान जी की मूर्ति के आगे ही फोड़ दें। उसके बाद हनुमान जी को नारियल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना भी मन ही मन करें और उसके बाद जरूरतमंदों में नारियल प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा बांट दें। ऐसा करने से जल्द ही शनि देव आप पर प्रसन्न होंगे और आपके दोषों को दूर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी के दिए का इस्तेमाल ही करें और दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और हनुमान जी और शनि देव की कृपा आप पर बरसेगी। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।